खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। 31 मार्च शाम 5 बजे स्थानीय टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनता से सीधा संवाद। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिली अभूतपूर्ण तरीके से लगभग 25 लाख सुरक्षा गार्ड चौकीदारों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विपक्षी पार्टी चौकीदार चोर है अभियान चलाकर देश के सभी चौकीदारों का अपमान कर रही है, क्योंकि नामदार वंशवादियों का काम नफरत फैलाना है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, क्योंकि कुछ महीनों में कुछ लोगों ने अपने निःस्वार्थ को साधने के लिए चौकीदारों के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चला रखा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों की भाषा में आपको चोट पहुंचाई गई है। इसलिए यह योजना बनाई गई है कि आगामी 31 मार्च को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी अब तक के सबसे बड़े टाउन हॉल कार्यक्रम के जरिए देश भर के 500 स्थानों से लोगों से सीधा संवाद करेंगे। एक पत्रकार वार्ता में भाजपा उत्तर विधायक पारस जैन, दक्षिण विधायक मोहन यादव, शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, ग्रामीण अध्यक्ष श्याम बंसल, संभागीय मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, सह मीडिया प्रभारी दिनेश जाटव ने बताया कि इस कड़ी में उज्जैन शहर में भी 31 मार्च की शाम 5 बजे स्थानीय टावर चौक पर प्रधानमंत्री लोगों से सीधा संवाद करेंगे। होने वाला उसमें से उज्जैन में टावर चौक पर मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में पधारें और उनके द्वारा कही गई बातों को आम जनता के बीच में अपने अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से सबके समक्ष रखने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। कार्यक्रम 5 बजे प्रारंभ होगा और 6 बजे उसका समापन होगा। इस दौरान हमारा प्रयास ये है कि उज्जैन नगर के सभी लोगों को हम उसमें आमंत्रित करना चाह रहे हैं। हमारे समस्त कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा विचार रखने वाले सभी लोगों को भी हम उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए समस्त हमारी जो टीम है उसको भी सब कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही इस प्रोफेशन से अपना जीवन व्यापन करने वाले समस्त महानुभावों को भी हम उसमें आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 31 तारीख के दिन पूरे देश में 500 जगह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करो पंडित जी सबको संबोधित तो जनसंवाद करने वाले हैं। उसी के अंतर्गत उज्जैन में भी शाम को 5 बजे जिले का कार्यक्रम है, घंटाघर पे होने वाला है। मैं उज्जैन की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्फ्रेंस में सीधे प्रधानमंत्री जी जनसंवाद करेंगे, वह अपनी बात कहेंगे। 1 घंटे तक उसको सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल करें। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कल 31 मार्च को देश भर में टाउन हॉल कार्यक्रम के माध्यम से 500 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में एक साथ जन संवाद करके चौकीदार से संवाद करते करते इसमें IT इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम संक्रांत वर्ग के लोगों को जोड़ करके इस जनतंत्र के बड़े चुनाव के पहले एक बार जन संवाद करना चाह रहा है, जिसके माध्यम से हमारी भाषा क्या होना चाहिए, हमारी विषय वस्तु क्या होना चाहिए और जिस प्रकार से जाने अनजाने कांग्रेस ने भारी गलती कर दी, उस गलती का परिमार्जन करने के साथ साथ जनता के बीच उसकी पोल खोलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री खुद इस जन संवाद में सम्मिलित होने वाले हैं। उज्जैन में टावर चौराहे पर यह कार्यक्रम होने वाला है। पर ये आप सबको मालूम है, आज जो ये प्रेस वार्ता रखी कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब 2014 का चुनाव जीते थे, जिसके बाद में उनने ये कहा था कि मैं भारत का सेवक के रूप में काम करूँगा 2014 में, और जिसके बाद अभी आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश और देश में एक ही बात चल रही है, वो है चौकीदार, और वो भी चौकीदार है और अपन भी चौकीदार हैं। तो चौकीदार का काम क्या है आप अच्छी तरह से सब लोग आप समझते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, गंदगी समाप्त, और इन सब भ्रष्टाचार को समाप्त करना और चौकीदार के रूप में अपनी चौकीदारी पूरी तरह से रखना। और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी 31 तारीख के दिन सभी लोगों को 5 बजे संवाद करने वाले हैं, और इसी के लिए मुख्य रूप से ये प्रेस वार्ता रखी है।
हम भी ये चाहते हैं कि उसके अंदर एनडीए के जितने भी पूरे देश बात करेंगे तो लोग फूट फैसले पूछेंगे, उनके जवाब भी देंगे। पहले भी कई बार उन्होंने जो बात पूछी उसके जवाब वो दे चुके हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि कल जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें आपके सहयोग की भी अपेक्षा है, और प्रधानमंत्री ऐसे हैं जनता के बीच में संवाद करते हैं। और जब लोकसभा में पहली दफे वो गए थे वो सीन मुझे आज भी याद है, और आप लोगों को भी याद होगा कि जब वो अंदर गए तो सबसे पहले हमने जगह को प्रणाम किया, संसद को प्रणाम किया, और जिसके बाद आशीर्वाद संसद के रूप में लेके वो जमा गए थे। उससे एक मैसेज पूरे देश के अंदर गया था कि प्रधानमंत्री होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए कि जो वहां जाकर सबसे पहले जिस लोकसभा के अंदर जा रहे हैं वहां प्रणाम करके अंदर जाए। और आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री जी। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।